जैनब सी बहन देखी ना शब्बीर सा भाई, जैनब सी बहन देखी ना शब्बीर सा भाई, जैनब सी बहन देखी ना शब्बीर सा भाई। एक हक की मुहाफिज रही, एक हक की फिदाई, सब दे के सरे कर्बला अपनी कमाई। इन दोनों ने जहां दीने मोहम्मद की बचाई। जैनब ने फिदा औनो मोहम्मद किए हक पर, जैनब ने फिदा औनो मोहम्मद किए हक पर, शब्बीर ने कुर्बान किए अकबर ओ असगर। यहाँ बहन है दरबारे यजीदी में खुले सर, बेगोरो कफन रन में पड़ा है वहां भाई। जैनब सी बहन देखी ना शब्बीर सा भाई, बेचादरी भी वक्त भी और दरबदरी का, छोड़ा ना मगर साथ हुसैन इब्ने अली का। जैनब ने तहफ्फुज़ किया आईने नबी का, शब्बीर ने अल्लाह की तौहीद बचाई। है बहन रसन बस्ता गिरफ्तार है मुसीबत, सर भाई का नेजे पे है मसरूफ तलावत। मुश्किल में थी उस वक्त मोहम्मद की शरीयत, ऐसे में ही दोनों ने की उकदा कुशाई। जैनब सी बहन देखी ना शब्बीर सा भाई, शब्बीर ने माबूद के सजदों को सजाया, शब्बीर ने माबूद के सजदों को सजाया, सजदों की बका के लिए सर अपना कटाया। मौला ने तहे तेग ये दुनिया को बताया, मौला ने तहे तेग ये दुनिया को बताया, सजदों से मिला करती है उकबा में भलाई। जैनब सी बहन देखी ना शब्बीर सा भाई, उम्मत ने मोहम्मद की ये एहसान चुकाए, यूं अजरे रिसालत अदा करके दिखाए। आशूर के दिन नेजों पर कुरान चढ़ाए, आशूर के दिन नेजों पे कुरान चढ़ाए, कुरानों के जुजदानों को फिर आग लगाई, कुरानों के जुजदानों को फिर आग लगाई। जैनब सी बहन देखी ना शबीर सा भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नलिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलाम वालेकुम अज़ादाराने मज़लूमे कर्बला, जहां जहां इस वक्त अहले बैत टीवी देखा जा रहा है, सबकी की खिदमत में पुरसा पेश करते हैं शहीदाने करबला, असीराने करबला, बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के पूरे खानवादे का, उस गरीबुल गुराबा सैयद शहदा इमाम हुसैन का, जिसे 3 दिन का भूखा प्यासा जो है शहीद कर दिया गया। बस यही एक मैसेज हम आपको पता है रोज आपके पास आ रहे हैं, एक पुरसादारी करने की छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। बीबी अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। पहला सेगमेंट ज़ियारत आशूरों का, दूसरा खिताबत ज़ाकरा अहले बैत सय्यदा ज़हरा ज़ैदी साहिबा होगा, तीसरा हमारे साथ नौहाख़वानी होगी। तो वही बात है कि ये जो दिन है ना, 10 दिन या ये सवा 2 महीने, जितना रो सकते हैं रोए, जितना गिरिया कर सकते हैं गिरिया करें, जो सीखना है मजालिस से अमल करना है वो तो हमें करना ही है, लेकिन गिरिया जरूर कर, ऐसे रोया करें जैसे आपके घर में आपके अपने का लाशा सामने रखा हो ना। जो मजलूम है करबला पर रोना है ना, जो मसाइब पे रोना है, उसमें शर्माया ना करें, उसमें घबराया ना करें, उसमें तो खुल के रोया करें, सरो सीना पीट के रोया करें। जो सवा 2 महीने रोएगा ना मजलूम है करबला की मजलूमियत पर, गुर्बत पर, वो सारा साल किसी गम में नहीं रोएगा। जब आप कोई मुसीबत आने लगी होगी ना आपके पास, तो एक दुख भरी माँ जो है वो आगे बढ़ जाएगी, कहेगी मौला परवरदिगारा इसको कोई मुसीबत ना देना, ये उस वक्त रोया जब मेरे हुसैन के शहादत बयान हो रही थी, मैं इसको गमजदा नहीं देख सकती। जब आप सवा 2 महीने अली असगर की शहादत पे रोएंगे ना, तो उम्मे रुबाब आगे बढ़ जाएगी, परवरदिगारा इसको कोई मुश्किल ना देना कि मेरे 6 महीने के नन्हे अली असगर के जब तीर लगा था ना, और ये मेंबर से जाकिर बयान कर रहा था, ये रो रही थी, ये रो रहा था। गर्ज ये कि जब आप पूरी मजलूमियत पे सवा 2 महीने मातम करेंगे, गिरिया करेंगे, आंसू बहाएंगे ना, ये हस्तियां पूरे साल आपको किसी गम में मुब्तला नहीं होने देगी। बीबी सकीना हाथ जोड़ेगी, बारे ला मेरी गुर्बत पे रो रहा है, मेरी मजलूमियत पे रो रहा है, जब मेरे तमाचे पड़े ना तो ये रो रही थी जारो कतार, इसको किसी गम में ना रोना ना। तो नाज़रीन अज़ादारा ने मजलूम कर्बोबला, ये सवा 2 महीने जो है ना, इसमें इतना गिरिया कीजिएगा सारा साल, ये हस्तियां आपको किसी गम में रोने नहीं देंगी, आप इनके गम में रोएं। देखे ना मैं दुनिया की बात कर रही हूँ, रहमते लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फातिमा कयामत के दिन हर आंख रो रही होगी, सिवाय उस आंख के जो हुसैन मजलूम के मसाइब पर आंसू बहाती रही। ये आप उस दिन जन्नत की नेमतों के नजारे देखेगी, जन्नतों की नेमतों के नजारे से मसरूर होगी। मैं दुनिया की बात कर रही हूँ, आखरत में वो आंख नहीं रोएगी जो गम हुसैन पर फर्श पर रोई होगी, फर्श अजा पर रोई होगी। बढ़ते हैं और ज़ियारत आशूरा की बात, जल्दी से 5 मिनट में मुख्तसरन आगे बढ़ेंगे।
आगे खिताब है ज्यारत आशूरा। जब हम अकीदत का एहतराम करते हैं, जब हम मोहब्बत का इजहार करते हैं, जब हम अपनी तमाम तर मार्फत का इजहार करते हैं हजरत इमाम हुसैन से, सैयद शहदा से, और फिर उसको पुकारते हैं, फिर उनसे दुआ मांगते हैं, जब हम कहते हैं ना सलाम अलैका या सारिल्ला वबना सारी वलवितरम अतूरा असलाम अलैका व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाइका अलैकुम मिन्नी जमीन سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا ابا عبد الله आप पर ए कुर्बान खुदा, ए कुर्बान खुदा के फर्जन, वो खून जिसका बदला लेना है, सलामो आप पर, सलामो उन रूहों पर जो आपके साथ हैं, आप सब पर मेरी तरफ से खुदा का सलाम हमेशा तक बाकी रहे। जब हम दिल से उन पर ज्यारत करते हैं, इस ज्यारत आशूरा में सलाम पेश करते हैं, तो वो फिर कैसे हमारी जो है वो मुश्किल को हल नहीं करेंगे, हमारी दुआ को नहीं सुनेंगे। ज्यारत आशूरा हर मुश्किल काम के लिए, ये जो 10 दिन है ना मुहर्रम के, इसमें आप ने तो जरूर पढ़नी। हजरत दस्तगीस रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि सैयद फरीन तहरान के बड़े उलमा में से उनकी खिदमत में हाजिर हुआ, तो उन्होंने फरमाया कि मुझे एक मुश्किल दरपेश हुई, तो मैंने आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद तकी शिराजी का कौर याद किया, तो मैंने उन्होंने कहा कि मैंने जो है उस ज़ियारत आशूरा को मुहर्रम के शुरू में तिलावत किया, तो मेरी हर मुश्किल जो है वो हल हो गई। ये 10 दिन अज़ादारान मज़लूम कर्बोबला, आपने ज़ियारत आशूरा की तिलावत करनी है बिला नागा, और जो मुश्किल आपकी हो वो हल हो जाएगी, आपने छोड़ना नहीं है। 40 दिन तक तो मैं कह ही रही हूँ रोज, लेकिन इस 10 दिन पे ज़ियारत आशूरा पढ़े, और रोज ज़ियारत आशूरा पढ़ने के बाद जो है आप उससे दुआ मांगे सैयद शहदा से कि मेरी ये मुश्किलें हल हो जाएगी। देखिए गैब से मुश्किल का हल होता है, मैं बता दूं, ये ऐसे वसीले बता देते हैं सैयद शहदा इमाम हुसैन के, आप हैरान रह जाएंगे। मरहूम हज्जतुल इस्लाम अल मुस्लिमीन एक मौलाना है बहुत बड़े, जो सैयद रजा शमसी साहब लिख रहे हैं और बता रहे हैं, नाम उन्होंने मौलाना का जो है वो ऐड किया है, वो ये बताते हैं कि जो इस्फहान के मशहूर मारूफ उल्मा में से थे, उन्होंने अपनी याददाश्त में लिखा कि एक रात मुझे रात को इशारा मिला, यानी कि ख्वाब में इशारा मिला कि फला फला आदमी को, नाम नहीं लिखा, मशहूर था ईरान का जो है बहुत बड़ा, 45,000 तुमान जो है जो इस्फहान में मोहतरम लोगों में से था उसको जो है वो दे दो। दूसरी सुबह मुझे परेशानी हुई, मुझे जो हुक्म मिला वो ऐसा है कि जैसे मैंने समझा, मुझे पता ही नहीं था मेरे पास कितने पैसे हैं, मैं परेशान हो गया कि मुझे एक ख्वाब आया है, मुझे उसकी मदद करनी है, 45,000 तुमान जो है मैं कहाँ से लाऊं। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने पैसे गिनने शुरू किए अपने, तो पूरे के पूरे 45,000 तुमान निकले। तो मैं पहली फुर्सत में जो है वो शख्स के पास गया, जाहिर उसे जानता था, बाइज्जत शख्स था वो वहां का। तो फिर क्या हुआ कि उसकी छोटी सी दुकान थी, तो दुकान के सामने जो है वो दो शख्स खड़े हुए थे, उसने मुनासिब नहीं समझा कि किसी के सामने जो है इससे बात की जाए, तो उसे मस्जिद में ले गया, मस्जिद उसी शहर में किसी मस्जिद में ले गया, वहां तामीर और मुरम्मत हो रही थी, तो वो उसको लेके साइड में चला गया और किबला रू होके बैठ गए दोनों। तो जब वो किबला रू होके बैठ गए तो उसने कहा कि मुझे आपकी परेशानी खत्म करने का हुक्म दिया गया है जिसमें आप मुब्तला हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मुझे अपनी मुश्किल बताएं, और मैंने इस पर काफी इसरार किया लेकिन उसने कुछ ना कहा। बहरहाल उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे तो ख्वाब में आ गया था कि 45,000 तुमान मुझे इसको दे रहे, तो मैंने जो है उसको 45,000 जो है वो तुमान दे दिए। अब जैसे ही मैंने उसको 45,000 तुमान दिए, उसने गिने, और गिनने के बाद जारों कतार रोने लगा, चीख चीख कर रोने लगा, और फिर वो कहने लगा कि मैं तुमको अब बताता हूं कि मैंने कर्ज लिया था 45,000 का, और मैंने नजर मानी थी 40 दिन तक कि सुबह की नमाज के बाद ज़ियारत आशूरा की तिलावत करूंगा, और आज आखिरी दिन है और तुम ये पैसे लेके मेरे पास आ गए। कहने का मकसद सिर्फ ये है, पूरे 10 दिन में मैं जो ज़ियारत आशूरा पे बात करूंगी वो यही मैसेज दूंगी कि जब हम सैयद शहदा को दिल से पुकारते हैं, रूह से पुकारते हैं, उन्हें सलाम करते हैं, और जिस ज़ियारत के लिए परवरदिगार आलम अपने कुद्दूसियत की कसम खा रहा हो कि जो ये ज़ियारत पड़ेगा दूर से या पास में, इमाम हुसैन की ज़ियारत के थ्रू ज़ियारत करेगा, मैं उसकी हर हाजत जो है वो कबूल करूंगा। नाज़रीन, ये तो वो मौजज़े मैं आपके साथ बता रही हूँ कि जो उलमाए कराम मुज्तहिदीन के लिखे हुए किताबों में कि किस तरह से सैयद शहदा परवरदिगार आलम उनके वसीले से हमारी मदद करता है। उसने मन्नत मानी, 45,000 जो है कर्जदार था, इज्जतदार था, पता
नहीं सकता था, किसी को कह नहीं सकता था, ख्वाब में डाला किसी बंदे के और पैसे वहां तक पहुंचा दिए। तो इन हस्तियों के दर से हम खाली हाथ नहीं जाते, ज़ियारत आशूरा पूरे यकीन के साथ, पूरे भरम के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ, पूरे अकीदत के साथ, अपनी किसी भी जायज हाजत के लिए पड़े, किसी के दर नहीं जाना पड़ेगा, किसी के आगे शर्मिंदा नहीं हो, वो नहीं होने देते। मैं इस वजह से मेरी भी आंखों में आंसू आ गई, मैं अपने मौजूदे तो बयान ही नहीं कर रही अभी ज़ियारत आशूरा के, मैं फकत जो है उलमाए कराम मुश्तहिदीन के मौजे बयान करती हूँ, वो वहां से सबब पैदा करते हैं कि आपकी सोच में नहीं है, आपके गुमान में नहीं है। मैं कहती हूँ हम जिस दर से वाबस्ता है वहां मायूसी नहीं है, जो किस्मत में नहीं है वो चैन से मांगो, लोहो कलम के मालिक जहरा के चैन से, किस्मत में जो नहीं है वो मांगो हुसैन से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। बढ़ते आगे और सुनते हैं खिताबत, पुरसा पेश करती हैं ज़ाकरा अहले बैत सैयदा ज़हरा ज़ैदी साहिबा बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। तमाम हमद सना ज़ात बारी ताला के लिए जो अला कुल्ले शैन कबीर, शहरगे गर्दन से ज्यादा करी कौन कहता है फ़यकून हो जाता है। वो रब दो जहां कि जिसने जमीन का फरश, आसमान का शामियाना, शजर व कमर, लोहो कलम, कायनात की हर शय रब दो जहां ने अपने बंदों के लिए खल की और बंदों को अपनी बंदगी के लिए खल किया। तमाम हमद सना उस ज़ात बारी ताला के लिए और तमाम दुरूद व सलाम उसके महबूब बंदे मोहम्मद मुस्तफा। खालिक मताल अपने कलाम बलागत सूरह हशर की ये आय मुबारका कि जिसकी मुसलसल तलावत का शर्फ हासिल कर रहे हैं और इस खुदाए करीम की बारगाह में इस दुआ के साथ कि हकीकत में परवरदिगार हमें अपने कलाम और अपने अहले बैत की मारफत अता फरमाए। रब्बे करीम फरमाता है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वलतंज़ुर नफ्सुन मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाहा इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। यानी अल्लाह सुब्हान तआला मुतवज्जा कर रहे हैं कि ऐ साहिबान ईमान, तुम लोग के जो ईमान ला चुके हो, तकवा अख्तियार करो और हर शख्स देखे कि उसने अपने आगे जिंदगी के लिए, चाहे वो इस दुनिया की जिंदगी है या वो आखिरत की जिंदगी है, इस दुनिया से जाने के बाद हमें एक दूसरी दुनिया की तरफ सफर है हमारा, वहां के लिए हमने क्या भेजा है। और तुम जो कुछ भी अमल करते हो हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ इस आय मुबारका में अल्लाह सुब्हान तआला सबसे पहली बात क्या कही, या अय्युल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा, ऐ साहिबान ईमान, ऐ ईमान लाने वालों, तकवा अख्तियार करो। यानी तकवा क्या है? खौफ, डर, एहतियात, केयर। अब मैं एक मिसाल पेश करूं कि अगर आपको रोड क्रॉस करनी है तो रोड क्रॉस करते हुए आप ऐसे ही चले जाएंगे या आप देखेंगे पहले कि आगे पीछे से कोई कार, कोई गाड़ियां, कोई ट्रैफिक नहीं है? जब आप रोड को क्लियर देखेंगे तब आप उसे क्रॉस करेंगे। या फिर दूसरी सूरत में क्या होगी, ट्रैफिक लाइट के ऊपर आप खड़े होंगे, जब आपको ग्रीन मैन नजर आएगा तो तब आप रोड को क्रॉस करेंगे। अच्छा, अगर उससे पहले क्रॉस कर लेंगे जब गाड़ियां आ रही होंगी तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो आपको पता है कि मुझे तकलीफ पहुंचेगी, मैं जख्मी हो जाऊंगी अगर मैंने ग्रीन मैन पे ट्रैफिक लाइट, जब रेड लाइन होगी, रेड लाइट होगी और ट्रैफिक रुक जाएगी तब मैं रोड क्रॉस करूं ताकि मुझे मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मुझे जख्म ना आ जाए, मुझे चोट ना लग जाए। बिल्कुल ये जिस तरह से हम अपनी इस जाहिरी वजूद की हिफाजत करते हैं, इसका नाम तकवा है। यानी अपने आप को बचाना, केयरफुल होना,
अपने आप को मुश्किलात से बचाना। अब हमें ये तो नजर आता है कि हमें सिर्फ अपने जिस्म की हिफाजत करनी है, बल्कि इससे ज्यादा महत्तर है कि हमने अपनी सोच, अपनी जबान, वो जो खुदा करीम ने हमें आज़ा जवारे अता किए हैं, उनको हमने फोकस करना है कि हम किस तरह से, जो आंखें खुदा ने हमें दी इससे हम क्या देखते हैं, जो कान उसने दिए हमें हम इससे क्या सुनते हैं, जो जबान उसने हमें अता की हम उससे क्या बोलते हैं। ये सब चीजें हमारी नहीं है, दे आर गिफ्टेड, ये खुदा करीम ने हमें अता की है। अब जिसने अता की है तो उसको पता है कि किस तरीके से हम इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे, तो ये हमारे लिए दुनिया में भी आसानी होगी और आफ्टर दिस लाइफ भी हमारे लिए आसानी होगी। तो ये फर्शे अजा मजलिस, अच्छा हम क्यों मजलिस में आकर बैठते हैं, फर्शे अजा का हम क्यों आकर बैठते हैं? अब जितनी देर भी मेरी आपसे बात होती है तो कुछ सोचते हैं ना, हम क्या सोचते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ हैं, क्यों हैं, क्या कर रहे हैं, हमारा इस दुनिया में रहने का मकसद क्या है? और जब हम खुदाए करीम के कलाम की तलावत करते हैं कि जिसमें खुदा फरमाता है कि तुम गौर करो, हर शख्स देखे, हर जीरो सोचे, हर नफ्स सोचे कि उसने अपनी आने वाली जिंदगी के लिए क्या इंतजाम किया है, जहां उसे जाना है। आपने देखा रोज आपके सामने मैं यही गुजारिश करने की कोशिश करती हूँ कि हम देखते हैं कि कभी कभी हमारी कम्युनिटी में से, हम दुनिया में सुनते हैं, न्यूज में सुनते हैं, कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं पर कोई हादसा, कुछ ऐसा मामला हो गया, एक साथ बहुत सारे लोग दुनिया से चले जाते हैं, बच्चे भी चले जाते हैं, बड़े भी चले जाते हैं, औरतें भी चली जाती हैं, मर्द भी चले जाते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि जैसे वो लोग चले गए ऐसे हमें भी जाना है, पर ये हम नहीं जानते कि हमें कैसे जाना है और कब जाना है। पर हमें तवज्जो ये देनी चाहिए कि हमें ईमान के साथ रहना है और ईमान के साथ जाना है, क्योंकि खुदा क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ साहिबान ईमान, ऐ ईमान लाने वालों। अब ईमान क्या है? ईमान आपका और मेरा एक बिलीव है, वो बिलीव के जो खुदा करीम ने हमें अपने एक कम एक और फिर 14 मासिक के जरिए से पहुंचा। आप लोग स्कूल क्यों जाते हैं, बातें क्यों सुनते हैं और उन कामों को क्यों करते हैं? इसलिए जाते हैं ना कि हमें कुछ हासिल होगा, हमें जिंदगी गुजारने के तरीके हासिल होंगे। इसी तरीके से आपके पेरेंट्स भी आपको बहुत सारी बातें बताते हैं कि देखो जब उठना है तो उठते के साथ ही क्या कहना है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, यानी दीन इस्लाम के जिस पर हम ईमान ला चुके हैं, ये एक रास्ता है, एक पाथ है। खुदा करीम ने भी क्या कहा, इन दीना इन दल्लाह इस्लाम, कि अगर मेरे नजदीक कोई रास्ता है, कोई दीन है, कोई पाथ है, तो वो दीन इस्लाम है। दीन इस्लाम यानी इस्लाम का मतलब सलामती, वो दीन के जिससे किसी दूसरे को, एक दूसरे को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसीलिए इस्लाम में सबसे पहले जब हम किसी से मिलते हैं तो हम हेलो हाय नहीं कहते, या बल्कि अगर आप देखा जाए तो हेल और हाय की बात हो रही होती है, कुछ मीनिंग्स ऐसे भी आ जाते हैं ना कि अब हम हेल से बचना चाहते हैं, तो हमारे इस्लाम में क्या है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आप पर सलामती हो, आप पर बरकतें हो। और फिर दीन इस्लाम क्या कहता है कि आप जिस पर आपने सलाम किया है उस पर वाजिब है कि वो आपको कहे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, यानी इसके मायने क्या है, आप पर भी अल्लाह की सलामती हो, आप पर भी बरकतें हो, यानी ये एक दुआ है, एक ब्लेसिंग है। अब सुबह उठते के साथ ही क्या काम सर अंजाम देना है कि हमने सलाम कहना है। अच्छा फिर प्रॉफिट हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हमें ये तालीम करते हैं कि जब आप अपने घर में दाखिल हो, देखिए ये पूरी जिंदगी जो हमारी है, इस जिंदगी में हमें ब्लेसिंग्स चाहिए ना, हमें चाहिए कि अच्छी अच्छी चीजें हमें मिले। क्यों ईमान आप तक पहुंच रही है ना मेरी बात? मेरी पूरी तवज्जो ये कि आपने मेरी पूरी बात को वेरी केयरफुली सुनना है और फिर आपने उसे अमल करना है, क्योंकि इस आय मुबारक में खुदा ने क्या कहा कि इन इन तकुल्लाह, और तुम तकवा अख्तियार करो, डरो, और जो कुछ भी तुम काम करते हो हम तुम्हें देखते हैं। तो अब हम जो भी काम करेंगे, अब चाहे मैं देखूं या ना देखूं, मामा बाबा देखें ना देखें, लेकिन खुदा करीम हमें देखता है, वो हमें देख रहा है। तो हम जब हमें देख रहा है तो हमने उसी से मांग रहे हैं ना, और उसी ने हमें ये लाइफ दी है, उसने ये हमें आंखें, हाथ, पैर, कान, तमाम वजूद उसने हमें कामिल अता कर दिया। देखिए अगर कभी आंख में हल्का सा कोई बाल चला जाए तो कितनी तकलीफ हो जाती है, और उस खुदा ने हमें कैसे इतनी सारी ये पलके हमें दे दी कि जो हमारी आंखों को बाहर की दूसरी चीजों से महफूज रखती है, और वो खुदा हमें हमारे पेरेंट्स से 70 गुना ज्यादा चाहता है। तो अब हमें अपने खुदा की तरफ मुतवज्जा होना है, और जो अहकामात उसने हम तक पहुंचे हैं, जो रास्ता उसने हमारे लिए चुना है। अब देखिए रास्ता अब हम चलेंगे तो रास्ते बने हुए होते ना, हम रोड पर तो नहीं चलेंगे ना, फुटपाथ पर चलेंगे ना, रोड पर क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर ट्रैफिक है और ये ट्रैफिक से हमें नुकसान पहुंच जाएगा। अलग रास्ता बना हुआ है, फुटपाथ बने हुए हैं, हमें उन पर चलना है ताकि हमें नुकसान न पहुंचे। इसी तरीके से दीन भी एक ऐसा रास्ता है कि जिसमें सिर्फ हमारा जिस्म ही नहीं बचता, सिर्फ दुनिया में हमें निजात नहीं है बल्कि इस दुनिया के बाद भी हमारे लिए निजात है। क्योंकि जैसे हम इस दुनिया के अंदर आए हैं, इस दुनिया के बाद हमें एक दूसरी दुनिया के अंदर जाना है, और वो दुनिया क्या, अच्छा आप हम देखते हैं ना कि हमें साइंस क्या बताती है कि जब कोई इंसान इस दुनिया के अंदर होता है, आपने अपनी क्लासों में इस बात को पढ़ा होगा कि हर इंसान उसे कुछ मुद्दत अपने माँ के शिकम में रहना होता है। जब बहन भाई आपके इस दुनिया में आने वाले होते हैं तो आपको पता होता है कि आपकी अम्मी बताती है कि अल्लाह ताला हमें बहन देगा, भाई देगा, बहुत जल्द हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है। तो उससे पहले वो माँ के शिकम में होता है, और फिर वो कितने दिन रहता है, 9 मंथ रहता है, 7 मंथ रहता है, 8 मंथ रहता है, पर खुदा उसे इस दुनिया में लेकर आता है। तो जब इस दुनिया में लेकर आता है, इस दुनिया में हम नहीं जानते कि हम में से सबने कितनी जिंदगी गुजारनी है, कोई 50 साल रहता है, कोई 20 साल रहता है, कोई छोटी उम्र में चला जाता है, कोई बड़ी उम्र में चला जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये दुनिया भी एक ऐसी जगह है कि जहां पर हमें कुछ अरसे के लिए रहना है और इसके बाद हमें यहाँ से चले जाना है, और जहां पर हमें चले जाना है वो यहाँ से एक अच्छी जगह है, ऐसी जगह, लेकिन उसके लिए चूज हम खुद करेंगे। ये हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है। मैं अब एक वाक्य आपको सुनाती हूँ, ये छोटे छोटे वाक्य मैं आपको इसलिए बताती हूँ ताकि आपको ये बातें समझ में आ जाए कि हमने उस जगह पर जहाँ हमें जाना है वहां के लिए हमने क्या तैयारी की है। और सबसे बड़ी नेमत हमें ये फर्शे अजा मिली है, ये जिक्र की जगह मिली है, ये फिक्र की जगह मिली है। ये 2.25 महीने जब हम मजलिसों में जाते हैं, जिक्र सुनते हैं, ये बातें सुनते हैं, उलमाए कराम हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, कुरान की आयतें बताते हैं। अब देखिए खुदा ने हमें अपना कलाम भी अता किया और अहले बैत भी अता किए, तो हमने उसके कलाम को भी पढ़ना है और हमने उसकी अहले बैत की जिंदगी के ऊपर भी तवज्जो देनी है, क्योंकि जब हम उनकी हयात मुबारक के ऊपर तवज्जो देंगे तो बेसिकली हम उनकी जिंदगी को देखेंगे और फिर हम वैसे अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करेंगे। और इस मजलिस में ये वाक्यात इसीलिए बताती हूँ आपको, इसीलिए गोश गुजार करती हूँ ताकि आपको याद रहे कि हम दुनिया के बंदे नहीं हैं, हमने दुनिया में ज्यादा देर नहीं रहना, खुदा ने हमें
इस दुनिया में भेजा है, कुछ अरसे रहने के बाद हमें यहाँ से चले जाना है, और जहां पर चले जाना है वहां पर हमारे गुड डीड्स चाहिए, क्योंकि खुदाए करीम कहता है ना कि हम देखते हैं तुम्हारे अमालों को, कि जो कुछ भी तुम करते हो और जो कुछ हम करेंगे वो हमें मिलेगा। अच्छा, मिसाल के तौर के ऊपर आप देखें, अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें अच्छा रिवार्ड मिलेगा, होता है ना। जब आप अपने घर को टाइडी करते हैं, सफाई करते हैं, अपने बेडरूम्स को साफ करते हैं, अपने किचन को साफ करते हैं, अपने घर को साफ करते हैं, तो मम्मी पापा क्या कहते हैं कि थैंक यू भैया, आपने बहुत अच्छा किया, आपको रिवार्ड मिलेगा, यू आर सो नाइस नीट एंड क्लीन चिल्ड्रन, सो आप बहुत अच्छे बच्चे हो कि जिन्होंने। और हमारा दीन क्या कहता है कि सफाई मिस ईमान है, यानी ईमान वो पाक कि जिसमें सफाई एक आंसर है, एक ऐसा काम है कि जिसे अब हम अपनी जगह जहां बैठते हैं उसे साफ रखेंगे तो सबसे पहले खुद हमें अच्छा लगेगा। अब आप देखें, कहीं कूड़ा करकट पड़ा हुआ हो, बल्कि आप में से कुछ लोग मेरे साथ हज पर गए हैं ना, तो हज पर आपने देखा होगा कि जब हम मीना के मैदान में गए तो कुछ लोग गंद इधर उधर डाल देते हैं और हमें वहां पर कुछ टाइम के लिए रुकना है। बिल्कुल, आप ये देखें, ये भी जब हमने हज का सफर किया था, और शायद मैंने आपको किसी जगह पर ये बातें बताई भी थी कि बिल्कुल जिंदगी भी ऐसे ही जिंदगी है कि जैसे हम मीना के मैदान में बतूता करते हैं, हम रुकते हैं, जैसे हम अरफात के मैदान में हम जोहर की नमाज के बाद से लेकर और मगरिब तक हम रुके थे, और जब तक हम रुके तो हमने क्या काम किया था, हमने उसकी नेमतों को याद किया था कि अल्लाह तूने हमें ये भी दिया, तूने हमें ये भी दिया, और सबसे ज्यादा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दुआ को, जो यौम अरफा की दुआ है, उसे हमने बार बार पढ़ा था, और उसमें इंग्लिश में भी आपने पढ़ा, उर्दू में भी पढ़ा और अरबी में भी पढ़ा। और उसमें क्या था, सॉरी जरूर दीजिए सुनो, उस दुआ में मौला हमें क्या तालीम कर रहे हैं कि देखो, वो पहले खुदा की हमदो सना बयान कर रहे हैं, मालिक तू मेरा परवरदिगार है, तू कितना करीम परवरदिगार है, तूने मुझे कितनी नेमतें अता की। और उस दुआ में आपको याद है ना कि मौला फरमाते हैं कि ये हाथ की उंगलियां, ये हाथ के पोरे, ये वजूद के अंदर जितने भी रगे हैं, वेन्स हैं, और ये जो पूरी जिस्म को खून सप्लाई कर रही है, ये आंखें, ये आंखों की पुतली, ये जिससे हम देख रहे हैं, ये पूरे वजूद का मौला ने जिक्र किया और फिर खुदा का शुक्र अदा किया कि तूने ये सारी चीजें मुझे कामिल अता की। और फिर मौला ने कहा कि परवरदिगार तूने सिर्फ किसी जिंदगी में ही नहीं रखा, बल्कि जब जब जिस जिस दौर में तूने रखा, क्योंकि अब एक जिक्र तो मैंने ये किया ना कि हम कुछ अरसा अपनी माँ के शिकम में रहते हैं, लेकिन इससे पहले भी हमारी एक जिंदगी है, लेकिन उस जिंदगी का हमें दर्क नहीं है, हम जानते नहीं है। और खुदा करीब भी अपने कलाम में ये कहते हैं कि हमने तुम्हें तुम्हारी माओ के पेटों से, उनके शिकमों से ऐसे बाहर दुनिया में लेकर आए कि तुम्हारे पास जरा बराबर भी इल्म नहीं था, और फिर हमने तुम्हें आंखें दे दी, फिर हमने तुम्हें कान दे दिए, फिर हमने तुम्हें दिल और दिमाग दे दिए ताकि तुम इसके जरिए से दुनिया में देखो और इल्म हासिल करो ताकि तुम शुक्र गुजार बंदे बन जाओ। तो यहाँ शुक्रिया है उस परवरदिगार का, हम इससे पहले की जिंदगियों को नहीं जानते, लेकिन हमने जिंदगियां गुजारी हैं, हम नहीं जानते, क्योंकि जैसे खुदाए करीम सूरह हलअता में फरमाता है, अपने कलाम में फरमाता है कि तुम पर एक वक्त ऐसा भी था कि जब तुम काबिले जिक्र नहीं थे। अब देखो, आपका और मेरा वजूद जो है ये कुछ चीजों से बना है ना, आग से, मिट्टी से, पानी से, हवा से, ये तमाम चीजें हमारे वजूद के अंदर मौजूद है ना, और हमें इस वजूद के लिए भी ऐसी जगहों से चीजें चाहिए होती है ना। क्या चाहिए होती है, दुआ, हमें खाना चाहिए होता है ना, हमें चाहिए कि हम फ्रूट खाएं, चीजें खाएं, ताकि इस बॉडी को हमारे खुराक मिले, हमें जिंदगी मिले। तो हमें जिस चीजों से हम हमारा जाहिरी वजूद बना है वो हमें इस दुनिया से मिली है, और इसी को हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा ये वजूद बढ़ता है। लेकिन इस वजूद में सबसे ज्यादा मुहिम चीज क्या है, वो हमारी रूह है, वो हमारी सोल है,
कि जिसकी तरफ खुदा मुतवज्जा कर रहा है। ईमान आप सुन रहे हैं ना कि खुदा हमें फोकस कर रहा है कि हर शख्स सोचे, सोचो इस बात को कि तुमने यहाँ रहना नहीं है, तुमने चले जाना है। जहां जाना है तो वहां के लिए आपने क्या तैयारी की है, क्या है आपके पास। तो एक वाक्य गोश्तार करना चाहूंगी कि एक कुछ एक इलाका एक जगह ऐसी थी कि उनके लोग ये करते थे कि वो हर 3 साल के लिए ना अपना एक बादशाह मुकर्रर करते थे और अपने शहर के दरवाजे पर खड़े हो जाते थे और उस दरवाजे के ऊपर जो सुबह सुबह 3 साल के बाद एक शख्स आता था उसे वो ले आते थे और उसे अच्छा लिबास पहनाते और फिर उसको कहते तख्त पर उसे बिठा देते और कहते कि अब तुम हमारे बादशाह हो और तुम हमारे पर रूल करो और जो तुम कहोगे और तुम हमारे निजाम को देखो, हमारी पूरी इस इलाके को देखो, हमने तुम्हें अपना बादशाह बना दिया है और तुम्हें हम तुम्हारी खिदमत करेंगे, हम तुम्हें तुम्हारी हर बात को मानेंगे। लेकिन 3 साल के बाद तुम हमारे बादशाह और तुम हम तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे। इसी तरीके से हर 3 साल के बाद वो शहर के दरवाजे पर खड़े हो जाते और उसके बाद जो पहला शख्स आता उसे अपना बादशाह अपना रूलर मुकर्रर कर देते। ऐसी एक मरतबा ये तमाम के तमाम शहर वाले अपने शहर के दरवाजे पर खड़े हुए, देखा उन्होंने एक शख्स आया, फटे पुराने उसके कपड़े हैं, बुरा उसका हाल हुआ हुआ है, इन्होंने उसको लिया और बड़े एहतराम से उसे लेकर आए, नहलाया धुलाया, अच्छे कपड़े पहनाए और फिर उसे बादशाह की सीट पर बिठा दिया। अब जब वो बैठ गया अब उसे ये तशवीश हुई, अब जिस बात की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ कि उसे ये हुई कि ये मुझे क्यों लाए हैं, ये मुझे इन्होंने इतना अच्छा लिबास क्यों पहना दिया, ये मुझे इतना अच्छा कुछ दे रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। तो उनमें से किसी से उसने पूछा, एक जो बुजुर्ग शख्स था उसने पूछा कि भाई क्यों ले आए मुझे, मैं तो दुनिया में फिरता हूँ, मुझे कुछ कभी किसी ने नहीं दिया, तुमने तो मुझे इतना कुछ। कहा कि हमारा ये दस्तूर है कि 3 साल तक हम तुम्हारी खातिर मदारत करेंगे और जो तुम कहोगे हम तुम्हारी सुनेंगे और हम तुम्हारी बातों को मानेंगे, लेकिन 3 साल के बाद हम तुम्हें फिर अपने शहर से निकाल देंगे। कहा कहाँ निकालोगे, कहा कि यहाँ से हमारे शहर से बाहर एक जंगल है, एक डेजर्ट है, एक बयाबान है, हम वहां भेज देंगे। कहा क्यों भेज दोगे, कहा कि बस हमें 3 साल तक आपकी जरूरत है, 3 साल के बाद हमें आपकी जरूरत नहीं है। अब वो शख्स सोचने लगा कि ये 3 साल तक मुझे ये कहाँ पर भेजेंगे। उसने पूछ लिया था कि एक जंगल बयाबान है, वहां दरिंदे भी रहते हैं, वहां जानवर भी रहते हैं और वहां पर खाने पीने की भी कोई चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहां पर आपको भेज दिया जाएगा। अब ये समझदार था, सोचने लगा कि मुझे 3 साल के बाद यहाँ से चले जाना है तो अब मुझे वहां पर आप सुन रही है ना कि मुझे मुझे आप नजर आनी चाहिए, थोड़ा सा इधर हो जाए इधर हो जाए, क्योंकि ये पूरी क्वेश्चन एंड आंसर जैसे कल आपसे मैंने सुना था आप मुझे बताएंगे। तो वो शख्स कहने लगा, तो फिर गाहे बगाहे वो उधर जाने लगा, देखता था कि ये जगह जो है यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो ये मुझे भेज देंगे, 3 साल के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अब उसने फिर सोचा कि जब मैं यहाँ चला जाऊंगा तो अब वो रोजाना कुछ ना कुछ महल में से जहाँ वो रहता था अपने खाने की चीजों में से अपने उसमें से उसने आहिस्ता आहिस्ता वहां पर उस जगह पर अपने जो उसके खादिम थे उसके काम करते थे वो लोग, चूंकि उन्होंने कहा था 3 साल तक तुम जो कुछ कहोगे हम करेंगे, तुम्हारी खिदमत करेंगे, उसने अब उन लोगों को भेजा और उन लोगों को भेजकर वहां पर उस बयाबान में महल बनाना शुरू कर दिया। उसने पूरी 3 साल के पीरियड में वहां एक अच्छा घर बना लिया, खाने पीने का इंतजाम कर दिया सारा कुछ। और जब 3 साल हुए, 3 साल के बाद इन लोगों ने वो जो कपड़े उसको दिए थे, जो चीजें उसको दी थी, सब उसे उतार के धक्का मार के उसे उस जंगल में फेंक दिया। लेकिन वो क्लेवर था, वो उसने गौर कर लिया था, उसने देख लिया था कि मुझे यहाँ से भेजा जाएगा, जहां भेजा जाएगा मैं वहां के लिए कुछ इंतजाम कर लूं ताकि मेरे पास वहां पर कुछ जगह हो। और जब उसे वहां भेजा गया
उसके पास घर भी था, उसके पास लिबास भी था, उसके पास हर चीज थी। इसीलिए खुदा करीम भी हमसे कहता है कि वल्तंजुर, तुम देख तो गौर करो, हर चीज देखे कि तुम्हें यहाँ नहीं रहना, जाना है। जहाँ जाना है तो वहां के लिए तुमने क्या तैयारी की है। इसीलिए जब हम देखते हैं कब्रिस्तान से गुजरते हैं तो हम देखते हैं कि वो कब्रें, कि वो अफराद के जो कभी हमारे साथ खेला करते थे, हमारे साथ बैठा करते थे, हम उनके साथ जिंदगी गुजारा करते थे, लेकिन अब वो मनो मिट्टी के नीचे दफन है। और हम देखते हैं कि हम कोशिश भी करना चाहें तो हम उनसे बात नहीं कर सकते। तो जब वो कब्र में चले गए तो कब्र 5 मरतबा हर इंसान को दिन में पुकारती है। 5 मरतबा क्यों? क्योंकि जब हम नमाज पर आते हैं, मुसल्ले इबादत पर आते हैं, और आप देखिए जब हम सजदे में जाते हैं ना, तो सजदे का मतलब क्या है कि हमने अपनी पेशानी को सजदे में रखा कि परवरदिगार हमने तेरी तरफ इस जमीन में हम इसमें हमें दफन कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद हम सजदे से सर उठाते हैं, अस्तगफिरुल्ला रब्बी वातूब इलैह, फिर दूसरे सजदे में जाते हैं कि हम दोबारा तेरी बारगाह में दोबारा आएंगे। तो जिस तरह से उस खुदा ने हमें ये जिंदगी अता की और उसके बाद दूसरी जिंदगी है जिसमें हमें उठाया जाएगा, पर उस जिंदगी में हमने क्या चीजें चाहिए, हमें जिन चीजों की हमें जरूरत है, क्या हमें, अगर हमें ये सब चीजें चाहिए तो आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे पास कपड़े होते हैं हमारी अलमारियां भरी रह जाती है। सामा 100 बरस का है बल्कि खबर नहीं। और जब कोई इस दुनिया से जाता है तो आपने देखा है कि सफेद कफन उसे पहनाया जाता है, गुस्ल दिया जाता है, और जितनी भी ब्रांड्स होंगी, जितनी भी चीजें होंगी, सब की सब रह जाएंगी, और सिर्फ के 2 पारचों के अंदर बगैर सिले हुए कपड़ों में लपेट कर उसे कब्र के सुपुर्द कर दिया जाता है। अब जाहिरी तौर के ऊपर हमें ये कब्र नजर आती है। कैसी कब्र होती है कि जिसे 6 फुट नीचे खोदा जाता है, यानी एक कमोबेश इंसान की हाइट जो होती है वो 6 फीट होती है, और उसके बाद उसके 2 पोर्शन बनाए जाते हैं। कब्र नीचे से खुली रखी जाती है, उस कब्र के अंदर उस इंसान के बराबर के जिसमें उसको लिटाया जाता है, उसके बराबर, उसके कदोकामत के बराबर वो उसकी कब्र को खोदते हैं, और फिर उसके बाद वो एक जैसे 3 या 3.5 फुट की जगह के ऊपर फिर एक गैप डाल देते हैं। यानी वो इंसान जो कभी दुनिया में रहता है, बड़े बड़े महलों में रहता है, कमरों में रहता है, बड़े बड़े अपने लिए बेड बनाता है, नरम बेड बनाता है, ऐसा मैट्रेस चाहिए मुझे, ऐसा कोई चाहिए, मेरी ऐसी बेडशीट हो, लेकिन वहां कोई बेडशीट नहीं है, बल्कि वहां पर तो अब जमीन है, और जमीन में उसे उतनी ही कमरा मिलेगा जितना उसका वजूद है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर किसी को 3 फुट की उसका पूरी हाइट थी तो वो कहे कि मुझे तो भी 6 फुट की कब्र में जाना है। नहीं, जितनी उसका वजूद होगा थोड़े से फर्क के साथ उसे उतनी ही जगह कब्र में मिलेगी, और फिर वो तख्ते लगाकर उस एक पोर्शन को बंद कर देते हैं, यानी कि इतना गैप रखते हैं जिस गैप के अंदर कि वह उठकर बैठ जाए। ठीक है, हमारे दीन में, हमारे जिंदगी में, हमारे ईमान में हमें ये बताया गया है, क्योंकि फिर हमसे पूछा जाएगा, तो कहना आप सुन रहे हैं ना, हमसे पूछा जाएगा कि जब तुम इस दुनिया में थे तुमने क्या क्या किया, तुम क्या क्या करते रहे, और हमसे वो मुमकिन है कि वो आकर हमसे इस हमारी कब्र में पूछेंगे अब तुम्हारी जिंदगी का ये सफर शुरू हो गया। तो हमें जब ये नजर आता है तो कब्र की हमें ये आवाज को सुनना चाहिए कि जहाँ मलकुल मौत कहता है कि जब मैं आऊंगा और मैं तुम्हें ले जाऊंगा। कब्र तन्हाई का घर है, कब्र अंधेरे का घर है, कब्र वहशत का घर है, और जब मेरे पास आना तो रोशनी लेकर आना, तरियाक लेकर आना, चराग लेकर आना, मोनिस दोस्त लेकर आना। ये दोस्त कहाँ से मिलेंगे जब हम इस दुनिया में खुदा के बंदों के साथ एहसन सलूक करेंगे, तो जब हम अच्छे काम करेंगे तो खुदा करीम हमारे इन अमालों की बिना पर ऐसी अपनी कुदरत से ऐसे दोस्त हमारे लिए बना देंगे कि जब हमें कब्र में डाला जाएगा तो हमारी कब्र
दिखने में तो छोटी नजर आएगी लेकिन वो कशादा हो जाएगी, वो खुल जाएगी। अब वक्त बड़ी तेजी से गुजर जाता है कि मैं बहुत सारी बातें बयान नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मजलिस के बाद भी हम थोड़ी सी इस बातों को कंटिन्यू रखेंगे कि हमने उस जगह पर जाने के लिए क्या एहतमाम करने। और फिर हमने कुछ रिवायतें ऐसी सुनी कि कुछ अफराद ऐसे भी थे कि उनकी कब्र जाहिरी तौर पर तो कब्र ही थी, लेकिन खुदा ने कुछ लोगों को उनकी कब्र तक पहुंचाया, तो जब वो उनकी कब्र में दाखिल हुए तो देखा कि वो कब्र नहीं थी बल्कि वो एक कुशादा जगह थी, और उसमें और बल्कि वो एक बाग था। उनमें सबसे बढ़कर और सबसे अफजल तरीन के वो लोग कि जो मौला अब अब्दुल्ला रसूलुल्लाह की मार्फत के साथ जियारत करते हैं, अगर उनकी जियारत की हालत में उनकी इंतकाल हो जाए, वो दुनिया से चले जाए, तो परवरदिगार उन्हें एक जन्नत में करार देता है, एक ऐसी जगह पे रखता है। तभी तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते दुरूद भेजिए। कि जो हमारी आज की मबद्दत में और मोहब्बत में इस दुनिया से चला जाए तो हरगिज भी उसे हलाक न करना, बल्कि वो शहीद है और शहीद जिंदा हुआ करते हैं, और जो जिंदा होता है उसे खुराक भी मिलती है, उसे लिबास भी मिलता है, उसे घर भी मिलता है, उसे वो चीजें मिलती है कि जो खुदा करीम अपने कलाम में कहता है कि जो हमारी राय खुदा में, जो हमारी राह में इस दुनिया से चला जाए तो उसे हरगिज भी हलाक न कहना, बल्कि वो जिंदा है, वो शहीद है, और उन्हें हमारी तरफ से रिस्क मिलता है कि जिसका तुम्हें शऊर नहीं। यानी हम इस दुनिया की चीजों को तो गिन सकते हैं ना यार, हमें पता है हमारे पास ये चीजें हैं, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास घर है, मरियम ऐसे ही है ना, लेकिन इस दुनिया से जाने के बाद जो अच्छी डील इस दुनिया में गुजारते हैं तो परवरदिगार जहां से अच्छी चीजें उसे अता करता है, और खुदा कहते तुम्हें वो चीजें मिलती हैं कि जिसका तुम्हें शऊर नहीं। तो मौला हुसैन का जिक्र, अब अब्दुल्ला हुसैन का तस्करा, शहादत मासूमीन से मवद्दत मोहब्बत, और ये जो फर्श अज़ा पर हम बैठे हुए मार्फत के साथ, हमें ये सीखना है कि हमें जिंदगी कैसे मिलेगी, और जिंदगी मिलती है इसी फर्श अज़ा के ऊपर, इसी जिक्र में, इसी फिक्र में, कि जहाँ मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते कि एक घंटे का फिक्र, एक घंटे का जिक्र 70 साल की मकबूल इबादतों से बढ़कर है। और हमने देखना है कि जब हम इस फर्श पर आते हैं तो गौर करते हैं कि इमाम हुसैन के कंपेनियंस कैसे थे। अब आज इतना वक्त नहीं कि मैं आपको ये बयान कर सकूं, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा की मजालिस में हम गौर करेंगे कि अगर 1400 बरस के बाद हम फर्श अदा पर बैठे हुए हैं तो हम कहते हैं कि हम हुसैनी हैं, हम मोमिन हैं, हम मुस्लिम हैं, हम अजादार हैं, हम मातमदार हैं, तो हमारे अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, हमें कैसा होना चाहिए कि कोई अगर हमें देखे तो हमें फीका जाफरिया कि जिससे हमारा ताल्लुक है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के नाम से दुरूद भेजिए। कि जहाँ मौला फरमाते मैंने कल भी गोश गुजार किया कि हमारा चाहने वाला अगर लाखों और हजारों के मजमे में भी हो तो वो ऐसा होना चाहिए कि जब लोग उसे देखें तो देख कर कहें कि हाँ ये है मकतबे अहले बैत के मानने वाले, ये है कलाम इलाही की तलावत करने वाले, ये है शीसना श्री, क्योंकि सच हमें बोलना चाहिए, बाहिजाब हमें रहना चाहिए, अच्छी बातें हमारे अंदर होनी चाहिए, सफाई हमारे अंदर होनी चाहिए, इखलाक हमारे अंदर होनी चाहिए, हम लोगों की मदद करनी चाहिए, हमारे अंदर इसार और कुर्बानी के जज्बे होने चाहिए, हमें एक दूसरे की सलामती का ख्याल होना चाहिए, जहाँ अगर कोई झगड़े हो रहे हैं उन झगड़ों को खत्म करना चाहिए। अगर हमारे अंदर ये क्वालिटियां हैं तो हम मौला की शिया हैं, हम मोमिन हैं, हम अजादार हैं, हम मतदार हैं, हम वो हैं कि जिन्हें पता है कि हमें पलट कर इमाम की बारगाह में जाना है, हमें खुदा की बारगाह में जाना है। और मौला हुसैन की मवद्दत में, उनके जिक्र में, उनके याद में जो दुनिया से चला जाए वो शहीद है, और शहीद की कब्रें फिर वो तन्हाई का घर नहीं होती, वो अंधेरे का घर नहीं होती, वो हशरातुल अर्ज, क्योंकि कब्र के अंदर कभी आपको वो डॉक्यूमेंट्री दिखाऊंगी
कि जब डेड बॉडी को डाला जाता है तो उसके बाद फिर किस तरह से उसका जिस्म खराब होने लगता है, लेकिन जो मोमिन होगा, जो शिया होगा, जो बामन होगा, जो ईमानदार होगा, क्योंकि खुदा ने भी ये कहा ना कि या आमन तकुल्ला, ऐ ईमान लाने वालों, कि जो ईमान लेकर आया है तो खुदा करीम उसके जिस्म को भी हशरातुल अर्ज कब्र में उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि उसकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन जाएगी। ऐसे हमें कुछ लोगों के वाकयात मिलते हैं। आज वक्त बड़ी तेजी से गुजर गया, इतना मौका नहीं कि मैं आपके सामने और अनावीन बयान कर सकूं, लेकिन यहाँ याद रखना कि हम फर्श अज़ा पर जब बैठे हैं तो हमने अपनी इस्लाह करनी है। हमने इमाम हुसैन के वो साथी के जो उस वक्त 1400 बरस पहले उनके साथ थे, आज 1400 बरस के बाद हमने ये साबित करना है। हम जिक्र करते हैं, हम फिक्र करते हैं, हम फर्श अज़ा के ऊपर आकर बैठकर इमाम हुसैन के उन मसाइब को बयान करते हैं। देखिए इमाम हुसैन अपने साथ किन किन को लेकर गए थे, उनके साथ कुछ साथी थे, उनके साथ उनकी औलाद थी, उनके साथ उनकी बहनें और बेटियां थी, उनके साथ उनका 6 महीने का अली असगर था, और इन सब के सब को इमाम ने कुर्बान कर दिया। किस लिए कुर्बान किया था? क्या मौला को दौलत चाहिए थी? क्या मौला को हुकूमत चाहिए थी? ये मौला को क्या चाहिए थी? मौला ने कहा कि मैं ये सफर इसलिए कर रहा हूँ, अमल बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, कि मैं अच्छी बातों की दुनिया में आम करने के लिए, मैं बुराई से रोकने के लिए। तो अब 1400 बरस के बाद अगर आज हम इमाम हुसैन का तस्करा करते हैं, उनके कंपेनियंस का तस्करा करते हैं, तो फिर हमें भी अच्छी बातें करनी चाहिए, हमें दुनिया को बुराई से रोकना चाहिए। दुनिया को तो बात की बात है, सबसे पहले हमें अपनी तरफ तवज्जो करनी चाहिए, क्योंकि मुझसे आपके बारे में नहीं पूछा जाएगा, आपसे मेरे बारे में नहीं पूछा जाएगा, बल्कि हमसे हमारे बारे में पूछा जाएगा। खुदाए करीम और उसके मलाइका मुझसे पूछेंगे कि हमने तुम्हें इतना कुछ अता किया और तुमने कैसी जिंदगी गुजारी। फर्शे अज़ा पर आने का मकसद ये नहीं कि हम सिर्फ आए, गिरिया करें, जिक्र करें और चले जाए, बल्कि इसका मकसद ये है कि हम आए, फिक्र करें, जिक्र करें और फिर उसके बाद अहदो पैमान करें। किसके साथ करें? मौला हुसैन के साथ और अपने वक्त के इमाम के साथ, कि जिन्होंने कुर्बानियां पेश की कि हम इस दुनिया में रहते हुए ऐसी जिंदगी गुजारेंगे कि जैसे हकीकत में मौला के चाहने वाले जिंदगी को गुजारते हैं। और जब हम रोते हैं, गिरिया करते हैं, तो फिर ये गिरिया, ये रोना हमारी जिंदगी में हमें नदामत पैदा होती है कि हमारे मौला तो ऐसे हैं और हम उनकी बात को मानते ही नहीं। अब अगर हम फर्श अज़ा बिछाते हैं, अब अगर हम में से कोई हिजाब नहीं लेता, पर्दा नहीं करता, तो इसका मतलब यह है कि हम मौला के चाहने वाले नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा गम जो था मौला अबा अब्दुल्लाह हुसैन को, कि जहां उस शेर उन्होंने कहे, गम का मुझे गम है, गम का मुझे गम है, खुशी मुझको खुशी की। अक्सर मैं भूल भी जाती हूँ, लेकिन मायनी मौला के इन अशआर का ये था, तू सर पे है परवाह नहीं बंदे को किसी की, बस एक ही हाजत है हुसैन इब्ने अली की, सर नंगे न देखूं मैं नवासी को नबी की, और यूं तेरी मर्जी है तो बाहिर भी नहीं हूं। आपको पता है ना, बादस करबला मौला अबा अब्दुल्लाह हुसैन के जिनके खेमों को आग लगा दी गई और बीबियों के सरों से चादरें छीन ली गई, और मौला अब इमाम सैयद सज्जाद के जिनसे जब किसी ने पूछा कि जो करबला के वाकये के बाद मौला तमाम जिंदगी गिरिया करते रहे, रोते रहे, एक मरतबा एक शख्स मिलने के लिए आया और देखा कि मौला जारो कतार रो रहे हैं, तो कहा मौला शहादत तो आपकी सआदत है, आप क्यों गिरिया करते हैं? मौला ने रोते हुए कहा, तूने इंसाफ नहीं किया, बेशक शहादत हमारी मेराज है, मैं शहादत के ऊपर गिरिया नहीं कर रहा, बल्कि
मैं तो गुर्बत के ऊपर गिरिया कर रहा हूँ। शहादत तो बेशक हमारी मेराज और सादत है, लेकिन क्या कभी तूने ये भी देखा कि नामूसे रसूल को सैदानियों को बेमकनों चादर के कशा कशा बाजारों दरबारों में फिराया जाए। मैं रोता हूँ शाम के ऊपर। मौला ने पूछा किसी ने कि सबसे ज्यादा मजालिम कहाँ पर गुजरे। मेरी बच्चियों याद रखना, हम कनीजाने जहरा है। अगर आपका सर खुला होगा, आपके सर के बाल नजर आएंगे, तो याद रखना सैयदा की बेटी बहुत रोई है। कब रोई है? कि जब बीबी के सर से चादर को छीना गया। कब रोई है? और बीबी के सर से चादर को पता है कैसे छीना गया था? कि जब खेमों को जला दिया गया। और ऐसे में बीबी मौला सैयद सज्जाद से कहती है, सज्जाद हुक्म देते हो तो इन जलते हुए खेमों में जलकर मर जाएं, या हुक्म देते हो कि हम अपनी जिंदगी को बचाएं? तो मौला सैयद सज्जाद, ये जो हमारे चौथे इमाम है, कहा कि फूफी अम्मा, जिंदगी को बचाना वाजिब है, आप अपनी जिंदगी को बचाइए और तमाम बीवियों को कहिए कि वो जलते हुए खेमों से बाहर आ जाए। और मक्तल लिखता है, रिवायत लिखती है, करबला के मैदान में कि जो खेमों की बस्ती बसी थी ना, 2 तारीख को जो खेमों बसे बने थे, उन्हें अश्र आशूरा उन्हें जला दिया गया। और बीवियां जब खेमे जल रहे थे ना, एक खेमे से दूसरे खेमे की तरफ आ रही थी, जब आखिरी खेमा जल रहा था, तो ऐसे में तमाम की तमाम बीवियां जलते हुए खेमे से मैदान करबला में ऐसे आई कि जहां मक्तल लिखता है कि जब तस्वीर टूट जाती है ना और तस्वीर के दाने बिखर जाते हैं, उन जलते हुए खेमे से वो बीवियां ऐसे निकली कि करबला के मैदान में, और उस आलम में बीबी सकीना का कुर्ता जल रहा था। और बीबी कहती है, बीबी ने कहा ना, आपने ये नुहा पढ़ा था ना, सुन लो अपनी बेटी के आखिरी बयां बाबा, सुन लो अपनी बेटी के आखिरी बयां बाबा। और बीबी अपने मसाइब पढ़ रही थी, अपने बाबा को ढूंढ रही थी। और उस वक्त आलम यह था कि बीबी का दामन जल रहा था, दामन इस सूरत में जल रहा था कि बीबी के दामन के अंदर जब वो खेमों में आग लगी थी, तो सकीना सलामिल्ला कि जब खेमे से बाहर निकली है तो उनके उनके दामन उनके लिबास के ऊपर आग लग गई थी और धुआं इतना था। और बीबी कह रही थी, बाबा मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में किसी ने आकर सकीना के दामन से आग को बचाया, आग को बुझाया। आज पुरसा ऐसे पेश करना कि करबला के मैदान में खुद को देख रहे हैं। सकीना बीबी सलाम अल्लाह का जिक्र यूं करती हूँ कि बच्चियां हैं, आपको पता वो बीबी के जहां देख रही थी और किस तरीके से उन बीबियों के सरों से चादर को छीना गया। रिवायत कहती है कि शिमरे नई ने उम्र साहब ने अपनी फौज के लोगों से कहा कि ये जो बीबियां तुम्हें नजर आ रही है ना, ये जो बीबियां तुम्हें करबला के मैदान में दौड़ती हुई नजर आ रही, जो अपनी जान को बचा रही है, इनके सरों से चादरों को छीन लो। रिवायतें कहती हैं कि नेज़े बरदार घोरों पर दौड़ते हुए आए और अपने नेजों से किसी एक ने अपनी नेजे की, यानी अपने नेजा देखा है ना कि जिसके आगे एक नोकदार मेटल लगा हुआ होता है, उस मेटल से के नेजे से बीबी जैनब के सर से चादर को ऐसे उतारा। अब देखें, अगर किसी के सर से चादर को नेजे की अनी से उतारा जाए तो बीबी की पेशानी जख्मी हुई, और जब सर से चादर उतरी तो एक मर्तबा फराद की तरफ रुक करके कहती है, अब्बास अब्बास मेरी चादर के महाफिज, मुझे चादर तो दुला दे, अब्बास मेरी चादर। और ये देखिए, हमें ये पैगाम है कि अगर हम कनीजाने जहरा हैं तो हमें सर नंगे नहीं फिरना चाहिए। अगर हम सर नंगे फिरते हैं तो मान लीजिए और जान लीजिए हम सब कुछ हो सकते हैं।
लेकिन मौला के अदादार नहीं हो सकते, हम मौला को पुरसा देने वाले नहीं हो सकते। आज अहद कीजिएगा, दुनिया के किसी मुकाम पर भी हो, हमने सैयद असलाम अल्लाह की चादर का मान रखना है। मौला सैयद सज्जाद के ये जुमले कि मुझ पर सबसे ज्यादा मसाइल शाम में पड़े, शाम में कब, कि जब करबला के मैदान में, जब शाम के दरबार में बीबियों को ऐसा लाया गया कि सर पर चादर नहीं थी, 900 कुर्सी नशीन थे, और उस वक्त यजीद कहता था कि इनमें अली की बेटी कौन है, नो के नेदे की अली से इशारा करके शिमरे नहीं कहता है, वो जो दराज कद बीबी है, जो कहती है वाह हुसैना, जो कहती है वाह पासा, जो कहती है वाह यही है ना मेरे को बुरा है। आपने हुसैन रकबर की वे जीवागी भैन उजड़ी नू दस दाजा भी, रकबर की वे जीवागी भैन उजड़ी नू दस दाजा भी, रकबर मारे छड़या तेरे गामाने वीरा है ना परदेस वसावी, रकबर कीवे जीवागी भैन उजड़ी नू दस दाजावी, रकबर कीवे जीवागी दा जावी, रकबर बेवारे सादे बागो छड़ चले आए सुगरा आँख दी रह गई, जूंदे जी मर जावांगे वे वीरा ना रोवण दे वस पावी, रकबर कीवे जीवांगी भैन उजड़ी नू दस दाजावी, रकबर कीवे जीवांगी भैन उजड़ी नू दस दाजावी, रकबर चाली गरा दे जंदे कीवे जीवांगी भैन उजड़ी नू दस दाजावी, रकबर कीवे जीवांगी भैन उजड़ी नू दस दाजावी, रकबर करबला दिया मामा, मामा करबला दिया मामा, पुत्रां दिया लाशां दे टुकड़े रियल बेदिया विच सहरावां, मामा करबला दिया मामा, करबला
दिया मामा मामा करबला दिया मामा सब्र